अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। मेरी एज जो है 41 ईयर्स है। तो मेरी आज से 2 साल पहले जो है एयर वॉल्व की लीकी आइडेंटिफाई हुई थी, जो कि काफ़ी सीवियर लीकेज थी। तो मैंने रिसेंटली डॉक्टर मदर साहब से जो है इसका अभी ऑपरेट करवाया। मिनिमल सर्जरी के मिनिमल ट्रीटमेंट हुआ है इसका, बहुत छोटा कट लगा है। उसके बाद आज मेरा 4th दिन है यहाँ पे ऑपरेशन हुए हुए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ और मामला डे बाय डे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो जो आपको आपकी मिनिमल एक्सेस सर्जरी हुई है ना बोन कटे बगैर, तो उस बारे में लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एग्जैक्टली यही मैं कहूँगा कि ये जो मिनिमल सर्जरी हुई है इससे मुझे पेन नहीं, अब 4th दिन में पेन फील नहीं हो रहा। जिस तरह पहले किसी और डॉक्टर से मैं कंसल्ट कर रहा था तो वो कह रहे थे कि आपकी चेस्ट के बीच में से कट लगेगा और ये चीज़ें वगैरह, लेकिन इस सर्जरी से मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा और बहुत छोटा सा कट लगा है। लेकिन आज 4th दिन में मैं डे बाई डे उसमें इम्प्रूवमेंट ही आ रही है और पेन जो है मुझे आज बारे बिल्कुल भी पेन नहीं फील हो रहा। जी जी आप देख सकते हैं ये कट। ठीक है, थैंक यू।